टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ ऐसा करें कि एक तो पैरामेडिकल स्टाफ को फैसिलिटेट कर सके और कोरोना ट्रांसमिशन को रोक सके। इसका फायदा ये एक तुम हॉस्पिटल से बर्डन कम कर सकेंगे। एक एक्सरे ये विद इन 1 सेकंड और 2 सेकंड रीड कर लेते हैं एक्सरे। इसमें हम ईमेल नहीं पूछते, फ़ोन नंबर नहीं पूछते, बस उनका नेम, एज, आगे जो बस उनके बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बस वही पूछते हैं। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फेरा फैज। नाज़रीन, इस वक्त जो दो बहन भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। आखिर ये ऐप बनाने की वजह क्या पेश आई, मुझे ये बताएं कि ये जो ऐप आपने बनाई है, इस ऐप को बनाने का मकसद क्या था? क्या जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के लिए तमाम तर पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं या जो जो इकदाम किए जा रहे हैं, क्या आप लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे? नहीं, एक्चुअली हमने ये सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया जब से लाइक हमने बनाया हुआ है। तो ये बनाने का मकसद ये था, जब अभी स्टार्ट में कोरोना आया था तो आपको पता है चाइना का हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स कर गया था, हालांकि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है। तो उस टाइम पे फिर हम पाकिस्तान में बहुत तेज़ से कोरोना फैल रहा था, तो फिर हमने सोचा हम अपनी एबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ ऐसा करें कि एक तो पैरामेडिकल स्टाफ को फैसिलिटेट कर सके और कोरोना ट्रांसमिशन को रोक सके। तो फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। एक तो ये इसलिए किया था कि टेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए, क्योंकि टेस्ट कैपेसिटी कम थी, पेशेंट ज़्यादा थे, कि अगर वो लोग डॉक्टर्स पहले इस सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर देंगे तो वो उन्हीं का पहले टेस्ट करेंगे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएं तलत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप लोगों ने यह ऐप बना तो दी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो एक डॉक्टर है उसका काम ख़त्म हो जाएगा, आप डायरेक्ट बंदा खुद ही डॉक्टर के साथ रबते में रहेगा? हाँ, इसका फ़ायदा ये एक तुम हॉस्पिटल से बर्डन कम कर सकेंगे ना, और ये मतलब डॉक्टर काम ख़त्म नहीं, हम इसमें टेस्ट को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि डॉक्टर को किन मरीज़ों का टेस्ट पहले करना चाहिए और किन का बाद में करना चाहिए। और वैसे भी एक डॉक्टर अगर चेस्ट एक्सरे रीड करता है तो एटलीस्ट वो 5 to 10 मिनट्स लगा देता है चेस्ट एक्सरे रीड करने में, और इस सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और एक एक्सरे ये विद इन 1 सेकंड और 2 सेकंड रीड कर लेते हैं एक एक्सरे। इस ऐप में कौन कौन सी चीज़ें, मतलब अगर मैं एक मतलब एक आम सा आदमी, एक आम सा इंसान, अगर मैं वो ऐप खोलूं और उस ऐप को देखना चाहूं कि किस तरीके से मेरा वायरस डिटेक्ट करेगा, तो उसके अंदर कौन कौन से मराहल, कौन कौन से? हाँ, और जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना, आपके पास ऑप्शन आएगा लैंग्वेज चूज़ का, उसमें आप चाहे अपनी उर्दू चूज़ करें चाहे इंग्लिश चूज़ करें। मतलब उसमें उर्दू का ऑप्शन है? जी, उसमें उर्दू का ऑप्शन है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जो कि आपके अब सिम्टम से रिलेटेड होंगे, या आपके जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो आपके पास डिजीज़ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर को जब आप क्वेश्चन के आंसर कर दोगे तो सॉफ्टवेयर आगे आपको प्रिडिक्ट कर देगा आपके कितने परसेंट चांस है कोरोना वायरस आपको है या नहीं है। उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर को लगता है कि आपको कोरोना वायरस है तो देन आपको ये बोलता है अपना चेस्ट एक्सरे करवा के इसके अंदर एंटर करें, तो फिर उसके बाद आपको ये फैसला कर देता है कि आपको कोरोना वायरस है भी या नहीं भी। मतलब इसके अंदर चेक जो एक्सरे है वो भी आप एंटर कर सकते हो, अपने प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह भी एंटर कर सकते हो। तो एक्सरे जो अगर हम चेस्ट का करवाते हैं तो चेस्ट की और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, लंग्स का बहुत से मसले हो सकते हैं, जैसे हमारे नौजवान स्मोकिंग करते हैं तो उनके लंग्स ऑलरेडी इफेक्टेड हैं। तो ये आपकी ऐप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करती है कि ये कोरोना की वजह से लंग्स ख़राब हैं या ये स्मोकिंग की वजह से ख़राब? हाँ, ये आपसे अपने आपकी पास्ट डिजीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो उसकी बेस पे चेस्ट एक्सरे भी रीड करता है। जो आपकी पास्ट के क्वेश्चन पूछे उनमें से ये है कि आप स्मोकिंग करते हो, आप कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, क्या आप एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन की बेस पे आगे एक्सरे रीड करके फैसला करता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं, या आपके लंग्स कोरोना वायरस की वजह से डैमेज है किसी और वजह से। अच्छा, तो फिर ये तो हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए मसला नहीं बन जाएगा अगर वो वहाँ पर लिख देंगे कि भाई हम स्मोकिंग करते हैं, तो ये रिपोर्ट कहीं उनके ईमेल आईडी पे या उनके घर तो नहीं चली जाएगी? हाँ नहीं, वो जैसे मतलब सॉफ्टवेयर पर लिखेंगे तो उसके बाद अपना जब वो उनका रिजल्ट आ जाएगा तो रिपोर्ट वहाँ से उनकी मतलब ख़त्म हो जाती है ना, मतलब उनके और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक सिस्टम है उस तक रहेगी, उनके वालदैन को नहीं पता चलेगा कि वो स्मोकिंग कर। हाँ जी, सिर्फ सॉफ्टवेयर तक रहेगी, क्योंकि इसमें हम ईमेल नहीं पूछते, फ़ोन नंबर नहीं पूछते, बस उनका नेम, एज, आगे जो बस उनके बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बस वही पूछते हैं। जब ये पब्लिकली अवेलेबल होगा तो हम इसको ईजिली गूगल स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं? जी, आप इसे प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, अगर हमारी आवाज़ हुकूमती नुमाइंदे कोई सुन रहे हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अस्पतालों में हमारे पास स्पेस ख़त्म हो गई है, हमारे पास टेस्ट की फैसिलिटी बहुत कम है, और अगर इस मौके पे हम इस ऐप को
पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये हमारी आवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और इन दोनों बहन भाइयों की काविश को जितना हो सके शेयर करें। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।